रही खबरों पर विस्तार से। अम्बाला के गांधी ग्राउंड में भारतीय सुरक्षा बलों के शहीदों को शत शत नमन कार्यक्रम के द्वारा सरस मेले का आयोजन किया गया। मेले में मुशायरे का कार्यक्रम किया गया जिसमें हरियाणा पंजाब राजस्थान से आए कलाकारों ने प्रतिभाग किया। अम्बाला से हमारे संवाददाता विनोद कुमार की ये रिपोर्ट। उनको डांस पर आने के लिए आमंत्रित करता हूँ। जनाब कशिश होशियारपुरी साहब होशियारपुर से तशरीफ लाए हैं। आए सर बैठे। जनाब मुकेश आलम साहब लुधियाना से तशरीफ लाए हैं। बहुत बड़ा नाम उर्दू अदब में इनका है। वरुण आनंद अभी उम्र बड़ी कच्ची है इनकी, लेकिन इनकी शायरी मैंने कई मरतबा सुनी है और मैं बहुत मुतासर इनके कलाम से हुआ हूँ। मुझे उम्मीद है कि आज आप जब इन्हें सुनेंगे तो आप इनकी उम्र देखने से ज्यादा इनके कलाम पर ध्यान देंगे। जनाब परिंदर अशोक साहब पटियाला से तशरीफ लाए हैं। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। पटियाला में जो मुशायरा होता है वो अजीम का मुशायरा होता है। मैं कई मरतबा वहाँ शिरकत की है। मैंने देखा है कि वहां पर जो मुशायरा होता है उसकी जो सुनने वाले जो उसके सामईन हैं वो ऐसा खूबसूरत तरह से शेरों की गार देते हैं कि मैं सच कहता हूं, मैं इनके सामने ये तस्लीम करता हूं कि मैंने आज तक इससे अच्छी ऑडियंस कहीं नहीं देखी। और वैसे मैं चाहता हूं कि मेरे शहर में भी कुछ ऐसा शुरू किया जाए। उसके लिए ये आज की एक शाम जो है ये रखी हुई है। महक भारती जी मेरी छोटी बहन है, बहुत बड़ी गीतकार है ये। इन्हें आपने अक्सर टीवी पर देखा भी होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आज आप इन्हें सुनेंगे तो इससे महसूस होंगे। जनाब करमजीत सिंह, ये पंजाबी का एक बहुत बड़ा उभरता हुआ सितारा है और मैं बहुत खुश हूं। मैंने जितनी बार इनको सुना है मैं बहुत ही ज्यादा मुतासर हुआ हूं, तो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूं कि वो हमारी इल्तिजा पर यहां आए। जनाब प्रद्युम्न भल्ला साहब कैथल से हमारे बीच में हाजिर हुए हैं। उर्दू के बहुत अच्छे शायर हैं, हिंदी में भी इनका बड़ा अच्छा दखल है। जनाब हरिदत्त हबीब साहब पटियाला से हमारे दरमियान तशरीफ लाए हैं। मैं इनका बड़ा शुक्रगुजार हूं और इनका खैर मकदम करता हूं। जनाब कुलवंत चावला रफीक साहब ये हमारे अपने शाहबाद के हैं और बहुत अच्छा पंजाबी में कलाम कहते हैं। मैंने जितनी बार इनको सुना है मैं बहुत इनसे मुतासर रहा हूं। और आखिर में मैं खुद आपका जाना माना डॉक्टर नपो संभालवी, हमने यहाँ जो रवायतें मल्होत्रा साहब शुरू कर रहे थे उन रवायतों को हमने जिंदा रखने की भरपूर कोशिश की है। हमेशा यहाँ इंडो पाक मुशायरे हुआ करते थे जिनकी गूंज, भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा कि वो भी आए और हमारे साथ शरीक हों। मौसम से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, हम बहुत जल्दी इसको खत्म भी करेंगे। मैं सब शौरा हजरात से गुजारिश करूंगा कि वो अपने कलाम को मुख्तसर रखें ताकि हम मौसम को देखते हुए, लेकिन मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि आप जो सुनने वाले हैं आज वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत बेहतरीन आपके सामने रखा जाएगा। मैं बहुत वक्त में लेते हुए बात हमारे बीच में रह गई, जो यहाँ हमारा मुशायरा हुआ करता था इंडो पाक मुशायरा, उसका बहुत जबरदस्त एक इम्पैक्ट था पूरे अरबी हल्के में और पूरी दुनिया के अंदर, पूरे जहां जहां भी उर्दू का कलाम पढ़े जाते हैं सुने जाते हैं उर्दू के जो हल्के हैं वहां पर ये कहा जाता था कि ऐसा मुशायरा और कहीं नहीं होता है। मैं चाहूंगा उसी रवायात को हम कोशिश करें आगे बढ़ाने की। जहां तक कहने वालों का सवाल है वो अपनी जगह, जो सुनने वाले हैं वो भी उसी मोहब्बत और एहतराम के साथ उसको सुने। इसके बाद में मुशायरे की शुरुआत करते हुए जनाब शम्स तबरेजी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आज की निजामत का आज संभालें।
आप जानते हैं ये जनाब शम्स तबरेजी साहब बहुत बड़े उर्दू के जाना माना नाम है हिंदुस्तान में। किसी भी टीवी चैनल पर आपने ऐसा कोई टीवी चैनल नहीं है जो मुशायरे दिखाता है, चाहे ईटीवी हो, चाहे दूरदर्शन हो या जी सलाम है, सब पर ये छाए रहते हैं हमेशा। और आज हमारी ज़रा सी गुजारिश पर ये यहाँ तशरीफ़ लाए, ये हमारे लिए बहुत बड़े फ़ख्र की बात है। और आज की निज़ामत के लिए मैं उनका उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो इसके लिए आए। वो आए उससे पहले हम मुशायरे की शुरुआत करें। एक छोटी सी हमारी रवायत होती है कि हम रोशनी से दिए किए दीपक से हम इसको शुरू करते हैं, तो हम शमा को रोशन करें। इसके लिए मैं तमाम जो मस्जिद हजरात यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे एडीसी साहब हैं कैप्टन शक्ति सिंह जी, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ और एसडीएम साहिबा को भी कि वो यहाँ आए और हमारे इस शमा को रोशन करें। जनाब इस मेले के अंदर जितने हमारे हरियाणा के अपने कलाकार हैं, अनेक विधाओं के तरह तरह की हैंडीक्राफ्ट है उसके अंदर, और दूसरी जितनी नृत्य है, गायन है, फोक सॉन्ग्स हैं, फोक डांसेस हैं, उन सब का कार्यक्रम यहाँ पर होता रहा है। और उस प्रोग्राम में बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोगों ने यहाँ पर हिस्सा लिया है और बहुत अपना एक तरह से योगदान दिया है, भरपूर योगदान इसको मिला है। और आज इस खराब मौसम के बावजूद भी मैं कैप्टन शक्ति सिंह जी, हमारे एडीसी साहब जो इस पूरे करता धरता है यहाँ का, सब जिनके हाथ में बागडोर है, मैं उनके लिए सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने इतनी खूबसूरती के साथ और इतने हिम्मत के साथ उन्होंने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया। और आज भी मैं देख रहा हूँ उनके हौसले बहुत बुलंद है। सर, आपको बहुत बहुत सलाम है इसके लिए। इस जैसा कि आप जानते हैं, मैं सबसे पहले कुछ ज्यादा आज वक्त ना लेते हुए मैं चाहूंगा कि हमारे दरमियान आज मुशायरे की शाम है और इस मुशायरे की शाम में हमारे दरमियान हिंदुस्तान के बहुत बड़े बड़े अजीम शौरा हजरात यहाँ तशरीफ लाए हैं और मैं उन सब शौरा हजरात का बेहद शुक्रगुजार हूँ और उनका तहे दिल से अम्बाला की इस अदबी सरजमीन पर उनका हर मकदम करता हूँ और उनका शुक्रिया इसलिए अदा करता हूँ कि हमारे एक ज़रा सी इल्तिजा पर वो हमारे दरमियान आकर उन्होंने हमारे इस प्रोग्राम की रौनक बढ़ाई। हालांकि ये अलग बात है कि वक्त ने अपना कुछ और ही रंग दिखा रखा है, मगर हमारे हौसलों पर इससे कोई ज़्यादा अंतर फर्क पड़ता नहीं है। हम अभी थोड़ी देर के अंदर ये देखने वाले हैं कि यहाँ ऐसी शायरी, इतनी खूबसूरत शायरी आपके सामने रखी जाएगी कि जो आपने पहले कभी सुनी भी नहीं होगी। हालांकि अम्बाला हमारा बहुत बड़ा अदब का मरकज रहा है, इससे पहले यहाँ बहुत बड़े बड़े मुशायरे होते रहे और यहाँ रुक्मिणी देवी हॉल में, याद होगा जो पुराने लोग हैं उन्हें याद है कि मल्होत्रा साहब एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करवाया करते थे, बहुत बड़ा मुशायरा, ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मुशायरा कहलाता था। इसमें कैफी आजमी साहब, फराज अहमद फराज और निदा फाजली और जाने कौन कौन से बड़े बड़े नाम यहाँ पर आए और आकर उन्होंने अपने कलाम से हमें नवाजा और यहाँ के लोगों ने उन्हें बहुत अपनी भरपूर मोहब्बतों से नवाजा। तो मैं आज भी ये उम्मीद करता हूँ
कि मेरी आवाज जहां जहां तक पहुंच रही है, जहां जहां भी जिस तक जिस शख्स तक भी पहुंच रही है, मेरी इल्तिजा यह है कि आप सबके लिए यहां बहुत बाहर से बहुत अच्छे अच्छे बड़े शौरा हजरात यहां तशरीफ लाए हैं। मेरी उन सबसे गुजारिश है कि वो यहां आकर इस चीज की तस्दीक करें इस बात की कि अम्बाला के लोग ऐसे किसी मौसम से डरने वाले नहीं है, और ये इस शाम को हम आज एक बहुत ही खूबसूरत रंगीन शाम में तब्दील करने वाले हैं। मैं सबसे पहले उन शौरा हजरात का तारुफ आपसे करवाने के साथ साथ मैं पहले उन सबको बुलवा देता हूँ। तारुफ के लिए मैं हमारे दरमियान शम्स तबरेजी साहब हैं, मैं आज की जो निजामत फरमाएंगे इस मुशायरे की, मैं उनसे इल्तिजा करूंगा कि वो जैसे जैसे शौरा हजरात का तारुफ आपसे करवाते जाए वैसे वैसे उनसे कलाम पढ़वाते जाए, उनको दावत सुखन दें। मैं इससे पहले के कुछ और कहूँ, मैं चाहूँगा कि जो हमारे दरमियान शौरा साहब यहाँ हजरात यहाँ बैठे हैं आपके बीच में, मैं उन सबको मंच पर आमंत्रित करता हूँ। कुशीनगर के थाना जटहा बाजार ग्राम सभा चिरगोड़ा चौराहा पर शिव मंदिर में शिवलिंग स्थापित था। कलश यात्रा चिरगोड़ा से जटहा तक शुभारंभ किया गया, जिसमें लाला जी गुप्त ग्राम प्रधान, राकेश गुप्त, पप्पू राय, अशोक राय, शंभू शर्मा, नागेंद्र पाल व पूरे ग्रामवासी के सहयोग से इस कार्यक्रम के संयोजक करता रहे। कुशीनगर से हमारे संवाददाता राजेश कुमार भारती की ये रिपोर्ट।
उपभोक्ता फोरम द्वारा जन जागरूकता का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मानव के अधिकारों से लोगों को परिचित कराया गया। साथ ही समाज में व्यापक रूप से फैली भ्रष्टता की बीमारियों को दूर कर खुशहाल बनाने का संदेश दिया गया। आए हुए जनता से सदस्यता अभियान चलाकर अपने हक में मानव अधिकार एवं उपभोक्ता फोरम को मजबूती प्रदान करने की बात कही गई। कार्यक्रम की भूमिका में श्री राम अग्निहोत्री अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य अतिथि पंकज सिंह, मंडल उपाध्यक्ष इलाहाबाद, विशिष्ट अतिथि आदित्य कुमार गुप्ता, प्रदेश सचिव कमलाकांत द्विवेदी, प्रदेश उपाध्यक्ष कविता रस्तोगी व अन्य उपस्थित रहे। वही कार्यक्रम का संचालन सब मीडिया प्रभारी राम प्रताप भारती ने किया। फतेहपुर से हमारे संवाददाता श्रवण कुमार तिवारी की रिपोर्ट। नमस्कार, श्रवण कुमार तिवारी, फास्ट न्यूज इंडिया, फतेहपुर। आप देख रहे हैं यह मानवाधिकार एवं उपभोक्ता फोरम मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा जागरूकता अभियान का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मैं आज 26 फरवरी 2019 में ग्राम सभा करमचंद पुरसाणा विकासखंड बिटौरा जनपद फतेहपुर में कार्यक्रम आयोजित है मानवाधिकार द्वारा। मैं इस पावन पुनीत कार्यक्रम में इस सभा को आप देख रहे हैं, यहां पर उपस्थित हूं और इनकी विचारधारा को सुनने का कार्य कर रहा हूं। क्या बात है, आपका शुभ नाम? कमलेश कुमार राजभर। अच्छा, ये ओबामा हमले के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है हमारे देश के लिए जो है जी। हमारे जवानों ने, वायुसेना के जवानों ने ताबड़तोड़ पाकिस्तान पर हमला करके हमारे देश के लिए बहुत ही बढ़िया काम किए। ये काम आगे भी करना चाहिए कि आतंकवाद पूर्ण रूप से खत्म हो जाए। आग्रह करेंगे मोदी जी से कि इस आतंकवाद को इस जड़ से खत्म कर दिया जाए, तभी जाकर हमारा देश खुशहाल होगा और हमारे जो विधवाएं हुए हैं, हमारे देश की महिलाओं का जो है आखिरी इंतकाम होगा। और इस सर्जिकल स्ट्राइक से पूरा पाकिस्तान जो है कि हिल गया है, अपने आप को डरा हुआ महसूस कर रहा है पाकिस्तान। हमेशा महसूस ही करता रहेगा कि नरेंद्र भाई मोदी का
बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा जो है परिश्रम है जी। और जो भी कार्य इन्होंने किया है भारत के लिए, भारतवासियों के लिए बहुत सराहनीय का कार्य है। ऐसे भी जो है आगे भी हम चाहेंगे कि आवश्यकता पड़े तो और सर्जिकल स्ट्राइक के लिए तैयार रहे जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जौनपुर जिले के जौकाबाद गांव में भारतीय सेना एयरफोर्स के जवानों के द्वारा आतंकियों पर किए गए 21 मिनट की बमबारी को लेकर गांव वालों में खुशी का माहौल है। स्थानीय लोगों ने जवानों और प्रधानमंत्री को बहुत बहुत बधाई तथा गांव के लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां जाहिर की। मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने की कसमें खाई गई। इस मौके पर सभापति मिश्र, जवाहरलाल यादव, विमल चौबे, हरेंद्र यादव, शिवम चौबे, विपुल चौबे और काफी संख्या में गाँव के लोग एकत्रित होकर कमल ज्योति जलाकर जश्न मनाया। जौनपुर से हमारे संवाददाता अमित कुमार पांडे की ये रिपोर्ट। मैं अमित कुमार पांडे, संवाददाता फास्ट न्यूज इंडिया। मैं जौकाबाद गांव में इस समय आया हूं जहां प्रेमचंद तिवारी जी के नेतृत्व में लोग दीप प्रज्वलित कर शहीदों को जो है श्रद्धांजलि सहित जो है खुशी जाहिर कर रहे हैं कि भारत माता के लाज को रखे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। जिस तरीके से स्ट्राइक किए हैं इससे पूरे भारत में खुशी का माहौल है। आइए हम प्रेमचंद तिवारी जी से आपको रूबरू करा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं प्रधानमंत्री जी के कुशल निर्देशन में जो उन्होंने कार्य किया है, हमारे सैनिकों को जो उन्होंने मनोबल दिया और जिस तरीके से आज F-16 विमान को जिस तरीके से हमारे हवाई जहाज के सैनिकों ने जिस तरीके से उसको अपने भारतवर्ष में गिराया है, मैं उनको पूर्ण रूप से भारतीय सेना को बधाई दे रहा हूं और उसके साथ साथ अपने भारतवर्ष के प्रधानमंत्री को मैं बधाई दे रहा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेमचंद तिवारी, सेक्टर संयोजक, भारतीय जनता पार्टी, खुटहर। मैं आपको दिखाना चाहूंगा जैसे कि लोग प्रेमचंद तिवारी जी के नेतृत्व में एकत्रित हैं। आइए इसी कड़ी में आपको हम एक और महान भाव से रूबरू करा रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम उमेश चंद दुबे है। आज हम लोग यहाँ कमल ज्योति से कमल ज्योति का दीपक लिए हैं और सबसे पहले मैं अपनी एयर आर्मी को, जो एयरफोर्स को, उसको सलूट करना चाहता हूँ। और बड़े खुशी की बात है, पाकिस्तान में जो है 350 से ऊपर जो आतंकवादी मारे गए हैं और भी आगे कार्रवाई जो चल रही है और यह पूर्णतः प्रधानमंत्री मोदी जी से हम लोग सुनिश्चित हैं, जो भी कुछ होगा वो बहुत अच्छा होगा, पाकिस्तान आने वाले समय में भारत के हिस्से में होगा। आगे और हमारे खबरों के साथ बने रहिएगा। अमित कुमार पांडे, संवाददाता फास्ट न्यूज इंडिया, रिपोर्टर खुटहन। ये तभी के समाचार आए कुछ खास खबरों के लिए, देखते रहिए फास्ट न्यूज इंडिया। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।